हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में हरे कृष्णा आर्ट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स ऑफ मैथ। मैथ की ट्रिक कैसे हुई, कौन सी ट्रिक्स, स्क्वायर की ट्रिक्स, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। सबको सवाल होता होगा कि 2 का स्क्वायर 4 है, समझ लो 2 का स्क्वायर 4 है, तो कोई भी डिजिट्स के हम कैसे निकालें। अगर हमको उसके सबकॉन्शियस यानी उससे पहले वाली डिजिट का उनका पता हो तो हम निकाल सकते कैसे। देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, वैसे ही 2 और 3 को प्लस कीजिए, बाद में 4 को उनसे प्लस कीजिए। ये फॉर्मूला है, 2 + 3 + 4 इक्वल टू आंसर यानी 9 आंसर है, आंसर 9 देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, इसलिए आंसर 9 है। ये फॉर्मूला है, ट्रिक है मैथ की। अब बात करते हैं बड़ी डिजिट्स की, जैसे 1 1 1 है तो 1 का स्क्वायर कैसे होगा। तो ये सेकंड ट्रिक है कि 1 का स्क्वायर ऐसे होगा कि इन तीनों का प्लस कीजिए, तीनों यूनिट का प्लस कीजिए 3 आएगा, फिर 3 2 1 अपोजिट साइड और पॉजिटिव साइड दोनों साइड पूरा लिखना है, ये ऐसे आंसर देख लीजिए। बाद में करते हैं बात, अब हम 1 1 का तो हमें पता चल गया है कि 1 2 3 2 1 कैसे आएगा, लेकिन 1 1 2 कैसे आएगा, उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 1 1 + 1 1 2 + 1 2 3 2 1 इक्वल टू आंसर यानी 112 का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 1 2 3 2 1 से प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। प्लस करते हैं, ये ट्रिक मैंने खुद से बनाई है। प्लस कर रहे हैं, ओके गाइस, देखते हैं आंसर सही है कि गलत। ऑब्वियसली सही है सर। गाइस प्लीज इस ट्रिक का यूज़ कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। देख लीजिए ये दोनों ट्रिक्स राइट है। ओके गाइस।